नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते के बाद एक और अलाउंस बढ़ेगा, सैलरी के अंदर होगा जबरदस्त उछाल। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगस्त के अंदर केंद्रीय कर्मचारी को बढ़कर मिलेगी सैलरी। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजाइए, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पर मेहरबान है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी को एक और गिफ्ट दिया है, जिससे सरकार ने हाल ही में जो महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस बढ़ा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको भी रिवाइज कर दिया है। DOPT के नोटिफिकेशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज करने के महंगाई भत्ते के आधार पर ही होगा। अब जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो अगस्त के अंदर जो सैलरी आएगी दोस्तों, वो बढ़कर आएगी, ये आदेश जारी कर दिया है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि जो HRA है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो महंगाई भत्ता है वो 25% के मार्क्स पार कर गया था। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA मिलेगा। सरकार ने अपनी ओर से आदेश जारी किया है। शहरों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें XYZ का नाम दिया गया है। अब X सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी को ज़्यादा HRA मिलेगा, Y और Z शहर के रहने वाले कर्मचारी को कम HRA मिलेगा। मंत्रालय ने शहर के हिसाब से 28%, 18% और 9% का जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, साथ साथ में आपको बता दें, जो सरकार है इसकी तरफ से आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के अंदर जो XYZ है शहरों के अंदर दर जो है चारे की जो दर है 5400, 3600 और 1800 रुपये कम नहीं हो सकती। अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको 27% की दर से और उसके अंदर 9% की दर से तय किया जाएगा। इतना ही, जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाता है तो HRA XYZ जो 30% और 20% और 10% कर दिया जाएगा। तो एक्स कैटेगरी के ऊपर जो है और उससे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है, इसे 50 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर आते हैं। यहाँ के केंद्रीय कर्मचारी वो काम कर रहे हैं और उन्हें 27% HRA मिलेगा। एक्स कैटेगरी के वो शहर आते हैं जिन्हें आबादी 5 से 50 लाख तक है, वो जेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शहरों की आबादी 5 लाख होती है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर किसी भी शहर की आबादी बढ़ती है तो वो कैटेगरी अपग्रेडेशन के अंदर आ जाती है, यानी किसी भी शहर की 5 लाख बढ़ जाती है तो जेड ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, वाई कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। वहाँ रहने वाला कर्मचारी 9% के हिसाब से, 18% के हिसाब से उसको HRA मिलेगा। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। सरकार ने DA और DR के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर भी बढ़ोतरी की है। तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।